हम स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग में हमारे पास दिस इज़ अ टाइप ऑफ बॉटम अप पार्सिंग। और बॉटम अप पार्सिंग में मैंने बताया था कि हम इनपुट को स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम यानी कि लीफ नोट से स्टार्ट करते हैं और रूट नोट की तरफ जाते हैं पार्स करते हुए। तो शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग जब हम करते हैं तो उसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं जिससे पार्सर बनता है। फर्स्ट इज़ द स्टैक, सेकेंड इज़ द इनपुट बफर जिसमें हमारा इनपुट होता है। इनिशियली स्टैक इज़ एम्प्टी, स्टैक के अंदर कुछ नहीं होता। और हमारे पास कुछ एक्शंस होते हैं, चार एक्शंस होते हैं बेसिकली, शिफ्ट रिड्यूस एक्सेप्ट एंड एरर। ठीक है, तो शिफ्ट रिड्यूस जो नाम से पता चल रहा है दो एक्शंस होते हैं, या तो वो शिफ्ट करता है या फिर वो रिड्यूस करता है। अभी एग्जांपल भी देख लेते हो तो और समझ आ जाएगा। अगर हमारा इनपुट एक्सेप्ट हो जाता है हमारे पार्सर से तो एक्सेप्ट पर चला जाएगा, अदरवाइज वो एरर के स्टेट पर चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। सपोज मेरे पास ये ग्रामर है ई प्लस एम पार्सर बनाने के लिए। अच्छा, मैं अभी एक सिर्फ जनरल बता रही हूँ शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग में होता क्या है, शिफ्ट और रिड्यूस किस तरह करते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल ग्रामर बनाएंगे तो हम पार्सिंग टेबल्स उसको पार्स करूँगे, यानी कि LR0 और LR1 ग्रामर हम देखेंगे। तो उसमें तुम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग पार्सिंग टेबल बनाते हैं और पार्सिंग टेबल से पार्स करते हैं। अभी मैं विदाउट पार्सिंग टेबल जस्ट बता रही हूँ कि होता क्या है। स्टैक होगा, हमारे पास इनपुट होगा, इनपुट बफर होगा जिसमें हमारा इनपुट पड़ा हुआ होगा, और हमारे पास एक्शन होगा। तो सपोज करते हैं मेरे पास इनपुट था n प्लस n एंड आखिर में डॉलर तो आता ही है। ठीक है, तो स्टैक में फ़िलहाल कुछ नहीं है, फ़िलहाल मैं सिर्फ कह रही हूँ कि डॉलर पड़ा हुआ है। एक्शन में अब या तो हम शिफ्ट करेंगे या रिड्यूस करेंगे। अभी फ़िलहाल स्टैक के अंदर कुछ नहीं है, सही है। तो मैं पहले क्या करूँगी, शिफ्ट। जब शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करने का मतलब है कि मैं यहाँ से एक सिंबल लेकर इनपुट में से और उसको स्टैक के अंदर पुश कर दूँगी। ठीक है, जब स्टैक के अंदर पुश करेंगे तो स्टैक के अंदर क्या आ जाएगा, n, और n यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब हमारे पास इनपुट में हमारे स्टैक के अंदर हमारे पास है n। अब जो भी चीज़ स्टैक के अंदर पड़ी हुई होती है हम उसको चेक करते हैं कि क्या वो किसी रूल से रिड्यूस हो सकती है। यानी कि हमारे पास ग्रामर में दो रूल हैं, ई प्लस एन और एन। तो अगर मेरे पास स्टैक में एन पड़ा हुआ है तो दैट कैन बी रिड्यूस टू दिस नॉन टर्मिनल ई। तो जो एक्शन हम परफॉर्म करेंगे दैट वुड बी रिड्यूस, और रिड्यूस हम किससे करेंगे, रिड्यूस बाय दिस रूल ई एन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एन की जगह नॉन टर्मिनल ई को रिप्लेस कर दूँगी। ठीक है, इनपुट में हमारे पास पड़ा हुआ था प्लस एन और डॉलर, अब इनपुट में हमारे पास प्लस है और यहाँ पर ई है। ई को तो हम किसी भी चीज़ से रिड्यूस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट। जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ से प्लस चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारे पास इनपुट में पड़ा हुआ है एन, यहाँ पर है ई और प्लस। ई और प्लस तो किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं हो सकता, तो अगेन हम शिफ्ट करेंगे एन को। ई प्लस एन अब रिड्यूस हो सकता है इन टू अ नॉन टर्मिनल ई। ठीक है, अब हम दोबारा से क्या कर देंगे, रिड्यूस बाय ई प्लस एन। तो यहाँ पर अब मैं ई प्लस एन की जगह ई को रिप्लेस कर दूँगी। इनपुट में हमारे पास कुछ नहीं है, डॉलर है, और स्टैक के अंदर भी कुछ नहीं है। स्टैक के अंदर हमारे पास एक नॉन टर्मिनल है, दैट इज़ ई। अगर तो ये स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है, सी एफ जी का सबसे स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है, तो फिर तो हम कह देंगे एक्सेप्ट, यानी कि इनपुट भी ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर हम स्टार्टिंग नॉन बॉटम अप पार्सिंग हम करते यही हैं कि हम स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, इनपुट्स हमने स्टार्ट करा था, और करते 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 फिर हम स्टार्टिंग ऊपर रूट ऑफ द ट्री पर चले जाते हैं। तो अगर हम रूट पर पहुँच गए हैं, दैट इज़ द स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल ऑफ सी एफ जी, तो फिर हम कह देंगे एक्सेप्ट। अगर हम नहीं पहुँचते हैं तो फिर हम कह देंगे एरर, हमारी जो इनपुट है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। अच्छा, अब हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग में स्टार्ट कर रहे हैं SLR पार्सर से। SLR स्टैंड्स फॉर सिंपल LR पार्सर। LR में हमारे पास जो फर्स्ट L होता है, जिस तरह LL में हमारे पास फर्स्ट L बता रहा होता है कि हम जो डेरिवेशन जब हम इनपुट को रीड करेंगे वो हम लेफ़्ट टू राइट रीड करेंगे, तो फर्स्ट L इज़ टेलिंग अस कि हम इनपुट जो रीड करेंगे दैट वुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जो LL में भी हम कर रहे थे। और जो सेकेंड R होता है वो हमें बता रहा होता है कि जो हमारा ट्री बनेगा दैट वुड बी द राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। वहाँ पर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है और यहाँ पर राइट मोस्ट डेरिवेशन होता है फ्रॉम रिवर्स, सही है।
तो अभी हम बनाएंगे तो ये पता चलेगा राइट मोस्ट डेरिवेशन किस तरह होता है। SLR इज़ द सिंपल LR पार्सर। LR ग्रामर हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, LL1 ग्रामर से ज़्यादा बेटर होती हैं LR ग्रामर, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी क्लास ऑफ ग्रामर्स को हैंडल कर सकती हैं। वहाँ पर हमने कहा था रिकर्सिव ग्रामर है तो नहीं होगी हैंडल, एम्बिगस है तो नहीं होगी, लेफ्ट फैक्टर्ड है तो नहीं होगी। यहाँ पर ऐसा हमें कुछ नहीं करना, हमें लेफ्ट रिकर्जन लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं करनी पड़ेगी रिमूव। और यहाँ पर लेकिन एम्बिगस हाँ अगर ग्रामर है तो एम्बिगस ग्रामर को LR पार्सर हैंडल नहीं कर सकती है, बाकी अगर रिकर्सिव है तो उससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बैक ट्रैकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल ग्रामर्स इंप्लीमेंट होती हैं कंपाइलर्स में वो LR ग्रामर्स होती हैं, दे आर नॉट LL ग्रामर। LR ग्रामर लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू LL ग्रामर। तो सबसे पहले हम इसकी ऑगमेंटेड ग्रामर बनाते हैं। ऑगमेंटेड ग्रामर का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल होता है हम उसे पहले एक और नॉन टर्मिनल बना देते हैं। सपोज इसमें कह देती हूँ ए प्राइम, और ए प्राइम जो है वो ए को ड्राइव करेगा। सही, तो ये एक रूल नया हम ऐड कर देता है, स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल हम एक नया ऐड करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये होती है ऑगमेंटेड ग्रामर में हम जितने भी रूल्स होते हैं हम उनके पीछे हम लगा देते हैं डॉट। सही है, अब डॉट का मतलब ये होता है कि डॉट के बाद वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये अभी हमें पार्स करनी है। सही है, यानी कि अगर सपोज़ करो कि डॉट कहाँ कहाँ हो सकता है, डॉट एक्स से पहले हो सकता है, एक्स के बाद हो सकता है, ये हो सकता है एक्स वाई डॉट जेड या एक्स वाई जेड डॉट। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि हमने अभी तक क्या चीज़ रीड कर ली है और क्या चीज़ हमें रीड करनी बाकी है। सही है, तो अगर हम सपोज़ इस जगह पर हैं, अगर मैं सपोज़ इस रूल की बात करूँ तो इसका मतलब है कि आगे डॉट के बाद हमें क्या मिलने वाला है, एक्स का नॉन टर्मिनल। अगर मैं सपोज़ इस पॉइंट पर हूँ तो इसका मतलब है एक्स हमने रीड कर लिया था और अब हमें क्या रीड करना है, वाई और जेड। अगर इस पॉइंट पर हैं तो उसका मतलब हमें जेड रीड करना और एक्स और वाई हमने रीड कर लिया था। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज़ डॉट आखिर में आ गया है तो डॉट का मतलब ये होता है कि अब हमने सब कुछ रीड कर लिया, अब हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, जैसे शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग में होता है। तो जैसे ही हम इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि डॉट होते 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 सबसे एंड पर आ जाता है, दैट मींस कि अब क्या टाइम है, अब हमें रिड्यूस करने का टाइम है कि हम जो रूल है उसको रिड्यूस कर देंगे इन टू दिस नॉन टर्मिनल ए। ठीक है, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो जितने भी हम SLR पार्सर या LR0 जितने भी हम देखेंगे उन सब में डॉट इंडिकेट कर रहा होता है कि क्या चीज़ हमने पार्स कर ली और क्या चीज़ हमें पार्स करनी है अभी। ठीक है, तो अब सपोज़ कर लेते हैं मेरे पास एक ग्रामर है जो कि पेरेंथीसिस को चेक करने के लिए है कि पेरेंथीसिस सही है या नहीं है। इसके बस दो ही रूल हैं, ब्रैकेट में नॉन टर्मिनल ए है, ब्रैकेट क्लोज है और टर्मिनल सिंबल है ए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि एंगल ब्रैकेट्स में नहीं लिख रही हूँ नॉन टर्मिनल्स को, क्योंकि अब हम क्योंकि डॉट से यूज़ करोगे तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो अगर कैपिटल लेटर में मैंने लिखा हुआ है दैट मीन्स अ नॉन टर्मिनल, और अगर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है दैट मीन्स अ टर्मिनल। ठीक है, तो इस चीज़ को बस देख लेना, जितने भी कैपिटल लेटर में सिंबल्स आ रहे होंगे वो सब नॉन टर्मिनल्स। अच्छा, तो अब मैं इसकी ऑगमेंटेड ग्रामर बनाऊंगी। ऑगमेंटेड ग्रामर बनाने के लिए सिंपल मुझे ये काम करना है कि एक नया नॉन टर्मिनल बना देते हैं जो कि स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल होगा ग्रामर का, और बाकी जो ग्रामर है वो एज इट इज़ रहेगी। और जितने भी हमारे पास रूल्स हैं हम उन सब के स्टार्ट में डॉट ऐड कर देंगे। सही है, तो दिस इज़ दी ऑगमेंटेड ग्रामर। सबसे पहला स्टेप है LR टेबल बनाने का या SLR पार्सिंग करने का। अच्छा, अब मैंने ये ग्रामर इधर लिख दिया क्योंकि यहाँ पर अब हम DFA बनाएंगे। DFA बनाने के लिए DFA में जैसे स्टेट्स होते हैं इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास स्टेट्स होंगे। सबसे पहला स्टेट वुड बी स्टेट नंबर 0, और उसमें जो स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल जो हमने खुद बनाया था ए प्राइम हम उसको ऐड कर देंगे, यानी उसका रूल ऐड कर देंगे विद अ डॉट। सही है, क्योंकि डॉट के बाद एक नॉन टर्मिनल है तो उस नॉन टर्मिनल के जितने भी रूल्स हैं वो भी इस स्टेट में शामिल हो जाएंगे। सही है, तो ये चीज़ ज़रा गौर से देखना, अगर डॉट के बाद कोई टर्मिनल सिंबल होता तो फिर मैं कुछ नहीं करती। अगर डॉट के बाद टर्मिनल सिंबल है तो नॉन टर्मिनल सिंबल है तो नॉन टर्मिनल के जितने भी रूल्स हैं, यानी कि नॉन टर्मिनल ए था, नॉन टर्मिनल ए के जितने भी रूल्स हैं हम उन सारे रूल्स को भी इधर लिख देंगे। ठीक है, और अभी क्योंकि हमने कुछ भी रीड नहीं करा है तो सबके स्टार्ट में क्या आ जाएगा, डॉट। दिस इज स्टेट नंबर 0। सही, मैं कह देती हूँ ये DFA का स्टेट नंबर 0।
अगर मेरे पास अब तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, डॉट के बाद या तो ए आएगा, अगर सपोज़ मैं ए रीड करती हूँ तो जो नया स्टेट होगा वो क्या होगा, ए डॉट, ठीक है। मैं इस स्टेट को कह देती हूँ ये स्टेट नंबर वन है, सही है। डॉट, अब क्योंकि हम ए रीड कर चुके हैं तो डॉट ए के बाद आ जाएगा, सही है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि मैंने ओपनिंग ब्रैकेट रीड कराओ, क्योंकि डॉट के बाद ओपनिंग ब्रैकेट है, तो यहाँ पर जो ए का रूल था वो चेंज होकर के आ जाएगा ब्रैकेट डॉट ए एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब दोबारा से यहाँ पर देखो, डॉट के आगे क्योंकि नॉन टर्मिनल था तो उस नॉन टर्मिनल के सारे रूल्स हम एज इट इज़ लिख देंगे, सही है। मेरे पास ये नॉन टर्मिनल ए था, मैं इसके रूल लिख रही हूँ ब्रैकेट ए एंड ए, सही है, और शुरू में सबके डॉट आ जाएगा। अब तुम लोग कहोगे कि ये हमने ऑलरेडी रूल लिखा हुआ तो था ऊपर ब्रैकेट वाला, लेकिन हमने ये दोबारा क्यों लिखा है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर डॉट जो है वो ब्रैकेट के बाद है और यहाँ पर डॉट जो है वो ब्रैकेट से पहले है, सही है। तो दोबारा से हम जितने भी नॉन टर्मिनल हैं उन सबको लिखेंगे और उनके सबके स्टार्ट में हम डॉट लगा देंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि अभी हमने ये पार्स नहीं करा है, इसको मैं कह देती हूँ ये स्टेट नंबर टू है। तो अगर मैंने ब्रैकेट रीड करा मैं यहाँ पर आ जाऊँगी, या फिर अगर मैंने टर्मिनल सिंबल ए रीड कर लिया तो फिर वो एक नया स्टेट पर चला जाएगा, और क्योंकि वो ए रीड कर चुका है तो ए डॉट हो जाएगा, दिस इज स्टेट नंबर थ्री, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने ये बात बता दी थी कि जब हमारे पास डॉट एंड में आ जाता है तो ये वाला स्टेट जो होगा ये रिड्यूस स्टेट है, इसी तरह यहाँ पे भी डॉट के आगे कुछ नहीं है तो दिस स्टेट इज़ ऑल्सो रिड्यूस स्टेट। डॉट के आगे नॉन टर्मिनल मौजूद है, दिस इज़ नॉट अ रिड्यूस स्टेट, सही है, शिफ्ट स्टेट है। तो अब मैं, अगर मेरे पास डॉट के बाद दोबारा से ए आता है तो वो इस स्टेट पर आ जाएगा ब्रैकेट ए डॉट ब्रैकेट, डॉट के बाद कुछ नहीं है तो मैं आगे कुछ नहीं करूँगी, सही है। दिस इज स्टेट नंबर फोर, और इसी तरह से मेरे पास अगर डॉट के बाद, अब दोबारा से अगर डॉट के बाद ब्रैकेट, डॉट के बाद ब्रैकेट आ रहा है तो ये कौन से स्टेट पर जाएगा, ए ब्रैकेट डॉट ए, और क्योंकि ए आ रहा है डॉट के बाद तो ए के जितने भी रूल हैं वो सारे आ जाएंगे। मैं कह देती हूँ ये स्टेट नंबर फाइव है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी एक चीज़ नोट करो कि ये और ये स्टेट दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास ब्रैकेट डॉट ए ब्रैकेट डॉट ए डॉट ब्रैकेट ए डॉट ब्रैकेट ए एंड ए, सही है। तो इसका मतलब है कि जब मेरे पास ब्रैकेट आएगा, ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, तो मैं इसको इस तरह कर सकती हूँ कि अपने ही स्टेट पर वापस रिकर्जन पे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इसी स्टेट पर आ रहा है वापस। जैसे ही उसके पास ब्रैकेट आता है, ओपनिंग ब्रैकेट, तो वो दोबारा इसी स्टेट पर आ जाता है। तो उसके लिए मैं नया स्टेट नहीं बना रही हूँ, ये रिकर्सिवली अपने आप को वॉल्व कर लेगा, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि ए आ जाए तो वो यहाँ आ जाएगा, ब्रैकेट आ गया तो वो यहाँ आ जाएगा, और अगर ए आ गया तो वो इस स्टेट पर आ जाएगा जो कि हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो गई हैं, और ये जो डी एफ है इससे हम अब एल आर पार्सर या एल आर अपना एल आर पार्सिंग टेबल हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो डी एफ ए बनाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम कुछ नहीं करना, हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि डॉट के बाद क्या आ रहा है, और डॉट डॉट अगर डॉट के बाद कुछ नहीं है तो दैट मीन्स दिस इज़ द रिड्यूस स्टेट। तो इसमें रिड्यूस स्टेट कौन कौन से होंगे, दिस इज़ द रिड्यूस स्टेट, ये भी रिड्यूस स्टेट है और ये भी रिड्यूस स्टेट है। बाकी जो स्टेट्स हैं, यानी कि ये वाला स्टेट, ये कौन सा स्टेट है, ये शिफ्ट स्टेट है, इसमें रिड्यूस तो कुछ नहीं हो रहा है सब में, क्योंकि डॉट डॉट के बाद आगे कुछ है तो दिस इज़ द शिफ्ट स्टेट। तो अब हम यही जो डी एफ है इसको देखते हुए हम इसका टेबल क्रिएट करेंगे, सही है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर रह गई है, ब्रैकेट बाद में भी आ रहा है तो इसके बाद एक और स्टेट भी बनेगा, दिस इज़ द शिफ्ट स्टेट, ये रिड्यूस स्टेट नहीं था। ए अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट रीड करता, ठीक है।
तो इस स्टेट पर आ जाएगा। और ये वाला जो स्टेट है दैट इज़ स्टेट नंबर 5, ये हमारे पास रिड्यूस स्टेट है। ठीक है। अच्छा तो ये मेरे पास वही DFA है, मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि अब हम इसके थ्रू इसका टेबल बनाएंगे जो पार्सिंग टेबल होगा, SLR पार्सिंग टेबल। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पहला कॉलम बना रही हूँ स्टेट का। मेरे पास यहाँ पर स्टेट्स के नंबर लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। वही नंबर्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जितने भी टर्मिनल सिंबल्स हैं वो सारे यहाँ पर लिख देंगे, जिस तरह एडल पार्सिंग टेबल में बनाते थे उसी तरह यहाँ पर भी। ठीक है। अच्छा, अब देखो स्टेट नंबर 0 पर है। स्टेट नंबर 0 पर अगर हमारे पास नॉन टर्मिनल ए आता है, मैं यहाँ पर नॉन टर्मिनल लिख रही हूँ, अगर नॉन टर्मिनल ए आता है तो ये कहाँ जाएगा? स्टेट नंबर 1 पर। ठीक है। स्टेट नंबर 0 पर अगर ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो ये कहाँ जाएगा? क्योंकि टर्मिनल सिंबल है तो मैं यहाँ पर लिखूँगी शिफ्ट, क्योंकि शिफ्ट का स्टेट था, शिफ्ट करके ये चला जाएगा स्टेट नंबर 2 पर। ठीक है। एस का मतलब शिफ्ट होगा और जहाँ आर लिखेंगे तो उसका मतलब रिड्यूस होगा। इसी तरह अगर मेरे पास टर्मिनल सिंबल ए आता है तो ये शिफ्ट करके चला जाएगा स्टेट नंबर 3 पे। स्टेट नंबर 1 पर आ गए हैं। स्टेट नंबर 1 क्योंकि रिड्यूस स्टेट है और क्योंकि ये हमारे पास स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल था, तो जब हमारे पास डॉलर आएगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको। सही है। ये हर दफ़ा हमें यही काम करना है कि इस स्टेट पर, क्योंकि हमने खुद से बनाया था नॉन टर्मिनल, अगर मेरे पास डॉलर आता है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। स्टेट नंबर 2 पर है। स्टेट नंबर 2 पे अगर मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा था तो ये सी स्टेट पे रह रहा था, ये मैं लिखना भूल गए हैं। अगर ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो ये सी स्टेट पे रहेगा, शिफ्ट करके स्टेट नंबर 2 पे ही जाएगा। और अगर ए आएगा तो ये शिफ्ट करके स्टेट नंबर 3 पे जाएगा। ठीक है। अगर नॉन टर्मिनल ए आएगा तो ये स्टेट नंबर 4 पे जाएगा। स्टेट नंबर 3 पर आ जाते हैं। स्टेट नंबर 3 क्योंकि रिड्यूस स्टेट है तो ये पूरी जो रो है, इस पूरी रो में हम लिख देंगे रिड्यूस। और रिड्यूस हमें किस रूल से करना है? मेरे पास तीन रूल्स थे, मैं तीनों रूल्स यहाँ लिख रही हूँ, तो मैं इस वाले रूल को कह देती हूँ, ये रूल नंबर 1 है और इस रूल को मैं कह देती हूँ ये रूल नंबर 2 है। ठीक है। नंबर्स दे दिए रूल्स को। तो अगर मेरे पास टर्मिनल सिंबल ए आता है तो ये कौन से रूल से रिड्यूस करेगा? रिड्यूस बाय रूल नंबर 2। तो मैं सबके आगे लिख रही हूँ R2, 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 R2। ठीक है। इसका मतलब है रिड्यूस बाय रूल नंबर 2, पूरे रो में लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टेट नंबर 4 में देखें, स्टेट नंबर 4 में अगर मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो ये शिफ्ट करके स्टेट नंबर 5 पे जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। अगर स्टेट नंबर 5 पर है तो ये रिड्यूस स्टेट है और रिड्यूस कौन से रूल से करेगा? रूल नंबर 1 से। तो पूरे रो में रूल नंबर 1 R1 रिड्यूस आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा पार्सिंग टेबल बन गया इस DFA का। अच्छा, तो ये हमारे पास इसका पार्सिंग टेबल बन गया था DFA का। अब इस पार्सिंग टेबल से हम इनपुट को पार्स कैसे करेंगे अब हम वो देखते हैं। ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास सिर्फ CFG गिवन थी, CFG से हमने DFA बनाई, DFA से हमने पार्सिंग टेबल बनाया और पार्सिंग टेबल से अब इनपुट को पार्स करना देखेंगे किस तरह से होता है। ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमने शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग में देखा था, हमारे पास तीन चीज़ें होंगी। फर्स्ट इज़ द स्टैक, एक स्टैक होगा, एक इनपुट बफर होगा और थर्ड चीज़ जो कि दैट वाज एक्शन, कि हमें एक्शन क्या परफॉर्म करना है। तो इनिशियली स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है, हमारे पास हम कह देते हैं हम स्टेट नंबर 0 पर हैं तो स्टैक के अंदर स्टेट नंबर 0 है। ठीक है। इनपुट में मैं सपोज कर लेती हूँ हमारे पास इनपुट था ब्रैकेट, क्योंकि पेरेंथीसिस चेक करने के लिए था, तो सपोज़ कर लेते हैं कि ये इनपुट है, आखिर में डॉलर साइन अपेंड होगी। ठीक है। इनिशियली इनपुट हमारे पास स्टेट नंबर 0 है, हम स्टेट नंबर 0 पर हैं स्टैक में।
हमारे पास ब्रैकेट आता है, ओपनिंग ब्रैकेट आता है, तो कहाँ जाना है? पार्सिंग टेबल से हम देखेंगे। पार्सिंग टेबल कह रहा है कि शिफ्ट करके स्टेट नंबर टू पर जाना है। S2 मीन्स शिफ्ट एंड द नेक्स्ट स्टेट वुड बी स्टेट नंबर टू। ठीक है, तो उसमें हम करेंगे ये कि हम जो भी इनपुट होगा हम इसको शिफ्ट करेंगे स्टैक में, और जो नया स्टेट होगा दैट वुड बी स्टेट नंबर टू। तो मैं यहाँ पर टू देख रही हूँ। ठीक है, एक्शन क्या है? शिफ्ट। सही है। अगेन मेरे पास यानी कि पहले इनपुट में मेरे पास ब्रैकेट ब्रैकेट ए ब्रैकेट ब्रैकेट डॉलर था, अब मेरे पास एक ब्रैकेट शिफ्ट हो गया और वो चला गया स्टैक के अंदर। स्टेट नंबर टू पर है, अब हम देख रहे हैं स्टैक में टॉप ऑफ द स्टैक पर क्या है। स्टेट नंबर टू पर मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट आता है। ठीक है, स्टेट नंबर टू पे ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, अगेन हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है, शिफ्ट करके स्टेट नंबर टू पर जाना। ठीक है, तो मैं अगेन यहाँ पर ज़ीरो ब्रैकेट टू शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर इनपुट में हमारे पास ये बच जाएगा। अगेन ब्रैकेट, और ब्रैकेट जब आया था तो शिफ्ट करके स्टेट नंबर टू, तो नेक्स्ट स्टेट वुड बी नंबर टू। ठीक है, तो यहाँ पर टू जो है वो दैट इज़ द स्टेट नंबर। अब हमारे पास इनपुट में आ रहा है ए, स्टेट नंबर टू है। इनपुट में अगर ए आता है तो शिफ्ट करके स्टेट नंबर थ्री पर जाना। दोबारा से शिफ्ट करेंगे, ज़ीरो ब्रैकेट टू ए, और शिफ्ट करके स्टेट नंबर थ्री, यहाँ से ए हट जाएगा तो स्टैक इनपुट में हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास स्टेट नंबर थ्री है। स्टेट नंबर थ्री पे कुछ भी आता है तो हमें क्या करना है, रिड्यूस बाय रूल नंबर टू। अब रूल नंबर टू क्या था, मैंने नंबर्स दे दिए थे सारे रूल्स को, मैं रूल्स यहाँ लिख रही हूँ। हमारे पास रूल्स ये थे जो हमने खुद बनाया था नॉन टर्म, मैं उसको नंबर नहीं दूँगी। सही है, तो ये तीन रूल्स थे, इसमें हमने इसको कह दिया था दिस इज़ रूल नंबर वन और दिस इज़ रूल नंबर टू। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि रिड्यूस बाय रूल नंबर टू, तो इसका मतलब है कि रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करने का मतलब है कि स्टैक में से पॉप करेंगे, और जब हम पॉप कर देंगे तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें पॉप होंगी, किसको हमें रिप्लेस करना है, टर्मिनल सिंबल ए को किससे रिप्लेस करना है, नॉन टर्मिनल ए से। तो मैं पॉप वहाँ तक करूँगी जहाँ तक मुझे ये राइट हैंड साइड मिल रही होगी, दैट इज़ ए। जब इन दोनों चीज़ों को हम पॉप कर देंगे तो मेरे पास अब जो स्टेट है दैट इज़ स्टेट नंबर टू। ये चीज़ याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिड्यूस हम करेंगे नॉन टर्मिनल ए से, पहले वाली चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। सही है, किस स्टेट पर हम थे, स्टेट नंबर टू पर था। ठीक है, स्टेट पॉप करने के बाद वी वर ऑन स्टेट नंबर टू। स्टेट नंबर टू पर नॉन टर्मिनल ए आता है तो नेक्स्ट स्टेट इज़ स्टेट नंबर फोर, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फोर। ठीक है, अब हम स्टेट नंबर फोर पर हैं और हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, तो शिफ्ट करेगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रिड्यूस। ठीक है, मैं रिड्यूस करा, इनपुट में वो ये रहेगा। अब हम स्टेट नंबर फोर पर हैं और हमारे पास इनपुट में आ रहा है क्लोजिंग ब्रैकेट, जब ये आएगा तो हम शिफ्ट करके स्टेट नंबर फाइव पर जाएंगे, तो स्टैक वुड बी टू ब्रैकेट टू ए फोर क्लोजिंग ब्रैकेट एंड स्टेट नंबर फाइव। ठीक है, इनपुट में हमारे पास एक ब्रैकेट चला गया, दूसरा ब्रैकेट मौजूद है। स्टेट नंबर फाइव पर कुछ भी आता है तो वो क्या करेगा, रिड्यूस एंड रिड्यूस बाय रूल नंबर वन। रूल नंबर वन ये है, तो हम यहाँ से पॉप करना शुरू करेंगे, और पॉप हम किन किन चीज़ों को कर देंगे, हम फाइव को करेंगे, हम ब्रैकेट को करेंगे, ब्रैकेट ए ब्रैकेट ब्रैकेट ए एंड ब्रैकेट। जब सारी चीज़ें पॉप हो जाएंगी तो हम कौन सी स्टेट पर होंगे, स्टेट नंबर टू पर। ये चीज़ याद रखना, हम स्टेट नंबर टू पर हैं और स्टेट नंबर टू में हमारे पास रिड्यूस होने के बाद यहाँ पर हमने शिफ्ट करा था, यहाँ हमने शिफ्ट करा था, और अब हम रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस करने के बाद मेरे पास आ गया नॉन टर्मिनल ए। ठीक है, स्टेट नंबर टू पर ए आएगा तो हम स्टेट नंबर फोर पर जाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फोर। सही है, ऐसा आगे कंटिन्यू करता।
इनपुट एंड एक्शन। मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ उसे वापस से, ज़ीरो ब्रैकेट टू ए फोर, इनपुट में हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर बचा था। अच्छा, अब हम स्टेट नंबर फोर पर हैं और हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक्शन इज़ शिफ्ट, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा और शिफ्ट होकर ये कौन से स्टेट पर जाएगा, स्टेट नंबर फाइव पर। स्टेट नंबर फाइव पे कुछ भी आता है तो हमें रिड्यूस करना है बाय रूल नंबर वन, और रूल नंबर वन था कि ब्रैकेट ए ब्रैकेट ये सब रिप्लेस हो जाएंगे नॉन टर्मिनल ए से। तो मैं यहाँ से इन सबको पॉप करूँगी और रिप्लेस कर दूँगी नॉन टर्मिनल ए से। स्टेट नंबर ज़ीरो पर है, नॉन टर्मिनल ए आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेट इज़ स्टेट नंबर वन। ठीक है, रिड्यूस करने के बाद था ये। ओके, स्टेट नंबर वन पर हैं और हमारे पास इनपुट में क्या आ रहा है, डॉलर। तो ये कौन सा स्टेट है, एक्सेप्टिंग स्टेट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्शन इज एक्सेप्ट। अगर नहीं पहुँचते हैं एक्सेप्ट स्टेट पर तो वो स्टेट जो होगी या कोई ऐसी स्टेट जो कि ब्लैंक है, यहाँ पर ऐसी जगह पर पहुँच जाता है कि स्टेट नंबर वन पर है और हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, तो दैट इज़ एन एरर। स्टेट नंबर वन पर है और ए आ रहा है तो ये एरर है। तो जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ दे आर एरर स्टेट्स, तो वहाँ पर हम एक्शन में एरर लिख देंगे। ठीक है, और वहाँ पर हम कह देंगे इनपुट कैन नॉट बी पार्स्ड। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। हमें कोई भी सी एफ जी दी हुई होगी, हम उसको पहले DFA बनाएं, ऑगमेंटेड ग्रामर बनाएंगे सबसे पहले, ऑगमेंटेड ग्रामर से DFA बनाएंगे, DFA से टेबल बनाएंगे, टेबल से कोई भी इनपुट हम पार्स कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, सो तो दिस इज़ अनदर एग्जांपल, SLR पार्सर हमें इसके लिए बनाना है। सबसे पहले हम इसको ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी जो ऑगमेंटेड ग्रामर होगी उसमें हमें करना ये होगा कि हम एक नया नॉन टर्मिनल ऐड कर देंगे, मैं उसे कह देती हूँ एस प्राइम, और एस प्राइम इज़ एस जो कि स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है। ये इसकी ऑगमेंटेड ग्रामर बन गई है। ठीक है, सबके पीछे हम डॉट लगा देंगे, यानी कि अभी कुछ भी पार्स नहीं हुआ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी DFA बनाते हैं ऑगमेंटेड ग्रामर से। स्टेट नंबर ज़ीरो पर हमारे पास सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल होगा, दैट इज़ दिस एस प्राइम डॉट एस। ठीक है, क्योंकि डॉट के बाद एक नॉन टर्मिनल है तो इस नॉन टर्मिनल के भी सारे रूल्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास रूल आ जाएगा डॉट सी सी, यहाँ पर सी और सी ये दोनों कैपिटल सी हैं, दैट इज़ द नॉन टर्मिनल सी। क्योंकि डॉट के बाद नॉन टर्मिनल सी है तो नॉन टर्मिनल सी के भी सारे रूल्स आ जाएंगे, डॉट सी सी एंड डॉट डी। ठीक है, दिस इज स्टेट नंबर ज़ीरो। स्टेट नंबर ज़ीरो पे अगर मेरे पास एस आता है तो ये नई स्टेट पर चला जाएगा, मैं ऊपर लिख रही हूँ, जगह नहीं होगी। एस प्राइम पे अगर मेरे पास एस आता है तो ये हो जाएगा एस डॉट, दैट इज स्टेट नंबर वन। ठीक है, स्टेट नंबर ज़ीरो पर अगर हमारे पास नॉन टर्मिनल सी आता है तो इसकी जो स्टेट होगी दैट वुड बी सी डॉट सी। क्योंकि डॉट के बाद नॉन टर्मिनल सी आ रहा है तो इसके सारे रूल्स आ जाएंगे, सी के दो ही रूल्स थे, ये दोनों रूल्स आ जाएंगे, डॉट सी स्मॉल सी है और फिर कैपिटल सी है एंड सी इज डॉट डी। ठीक है, डॉट के बाद टर्मिनल है तो कुछ नहीं करना, डॉट के बाद टर्मिनल है तो कुछ नहीं करना। ठीक है, स्टेट नंबर टू, सही है, तो अगर मेरे पास नॉन टर्मिनल सी आता है तो वो इस स्टेट पर आ जाएगा। अच्छा, अगर मेरे पास टर्मिनल सिंबल आता है सी तो इसका जो स्टेट बनेगा दैट वुड बी स्मॉल सी, अगर आता सी डॉट सी, क्योंकि डॉट के बाद नॉन टर्मिनल सी आ रहा है तो इसके सारे रूल्स आ जाएंगे, इसके सारे रूल्स आ जाएंगे नॉन टर्मिनल सी के, दैट इज़ डॉट सी सी एंड डॉट डी। दिस इज स्टेट नंबर थ्री। सही है, और जो लास्ट रूल है दैट इज़ दिस, अगर डी आता है
दिस इज स्टेट नंबर फोर। उसके बाद अगर हमारे पास अब इस स्टेट पर हैं और इस स्टेट में हमारे पास दोबारा से सी आ जाता है, नॉन टर्मिनल सी, तो ये एक नया स्टेट पर चला जाएगा, उस स्टेट को हम कह देते हैं, दैट वॉज नॉट एस प्राइम, दिस वॉज एस, ठीक है, सी सी डॉट, डॉट के आगे कुछ नहीं है, तो दिस वुड बी द रिड्यूस स्टेट, स्टेट नंबर फाइव। ठीक है, अगर हमारे पास नॉन टर्मिनल सी आता, अगर हमारे पास ये आ जाता है टर्मिनल सिंबल सी, तो वो इसी स्टेट पर आ जाएगा, ये तुम लोग चेक कर लेना, ये इसी स्टेट पर आ जाएगा जो हमने नीचे बनाई हुई थी, अगर आ जाता है टर्मिनल सिंबल सी। अगर डी आता है तो तब भी वो इस स्टेट पर आ जाएगा, दैट इज दिस, ठीक है, डी डॉट वही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमारे पास डॉट के बाद सी आ रहा है, तो सी डॉट सी मेरे ख्याल से सी स्टेट पर रहेगा, ठीक है। अगर मेरे पास टर्मिनल सिंबल सी आता है तो वो इसी स्टेट पर आ जाएगा, सी डॉट सी पर, तो वो इसी स्टेट पर रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई स्टेट नहीं है, इस स्टेट पर अगर मेरे पास आ जाता है नॉन टर्मिनल सी, तो ये आ जाएगा सी सी डॉट, ठीक है, सी को पार्स करेगा, दिस इज स्टेट नंबर सिक्स, अगर नॉन टर्मिनल सी आता, ठीक है। बाकी सारी स्टेट्स हो गई हैं, अगर इस स्टेट पर डी आता है तो अगेन इस स्टेट पर आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास सी आता है नॉन टर्मिनल सी, तो वो यहाँ पर रहेगा, अगर टर्मिनल सिंबल सी आता है तो वो इसी पर रहेगा, इस स्टेट पर है, और टर्मिनल सिंबल सी आता है तो स्टेट नंबर थ्री पे, नॉन टर्मिनल आता है तो यहाँ पे, और अगर डी आता है तो वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डी एफ ए बन गई है इस ग्रामर के लिए। अब इस डी एफ ए से हम पार्सिंग टेबल आराम से बना सकते हैं, ये वाली जितनी भी स्टेट्स हैं जिसमें डॉट आखिर में आ रहा है, दीज आर द रिड्यूस स्टेट्स, और जहाँ पर हमारे पास डॉट बीच में कहीं आ रहा है, दे आर द शिफ्ट स्टेट्स, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास डी एफ ए था, मैंने इसे कॉम्पैक्ट करके लिख दिया, मैं एल आर टेबल बना रही हूँ उसका। हमारे पास स्टेट्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेट्स थी, मैंने यहाँ पर 7 स्टेट्स थी टोटल स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो मैंने यहाँ पर सबको लिस्ट डाउन कर दिया स्टेट के कॉलम में। टर्मिनल सिंबल्स हमारे पास सी एफ जी में सी डी और डॉलर था, तो यहाँ पर सी डी और डॉलर आ गया। नॉन टर्मिनल्स जो कि डी एफ ए में आ रहे हैं, दैट आर, यहाँ पर एस आ रहा है तो मैं यहाँ पर एस लिख रही हूँ, सी आ रहा है तो मैं यहाँ पर सी लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये दो नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं और बाकी ये टर्मिनल सिंबल्स हैं, सही। तो अब बाकी देखते हैं कि स्टेट नंबर ज़ीरो पर है, स्टेट नंबर ज़ीरो पर एस आएगा, टर्मिनल सिंबल नॉन टर्मिनल एस, तो ये स्टेट नंबर वन पर जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वन। स्टेट नंबर ज़ीरो पर है नॉन टर्मिनल सी आएगा, तो ये चला जाएगा स्टेट नंबर टू पर। स्टेट नंबर ज़ीरो पर है टर्मिनल सिंबल सी आएगा, तो स्टेट नंबर थ्री पर शिफ्ट करेगा और स्टेट नंबर थ्री पर जाएगा, ठीक है। स्टेट नंबर ज़ीरो पर है टर्मिनल सिंबल डी आएगा, तो शिफ्ट करके स्टेट नंबर फोर पर आ जाएगा।